Jersey, only when I ask you to show me. Okay, not right now. Okay, I think that's going to be a fantastic... But you know, Dino, I've been asking these people. I was here yesterday also. These people who you see right in front of you, they don't have dogs. They're just here for the love for them. Okay, guys, so if you love dogs, all you have to do right now is get your hands up in the air. And all of us together, we say pet and fed. So guys, pet. Pet. This one has to be the loudest for my pet. Superb, you guys are. Guys, say hi to Dino, everyone on his Insta story. We are here at the India's biggest pet festival, Pet Fed Mumbai 2019. In association with Dog Enjoy. Thank you so much, Dino. You've come here especially. Thanks once again, guys. Hope to see you all next year too. Our last day today. Have a lot of fun. And next year, if you don't have a dog, adopt a dog and bring it next year. Thank you. Thank you so much for spending time and joining us here. It's always great to see people like you, Bollywood celebrities, taking initiative for such a festival where we started and where we have landed. And I think there's a long way to go even now. It's just started. Thank you so much, Dino. We wish you a great day. Thank you so much. It was a pleasure having you and pleasure meeting you and seeing you. Thank you, guys. Can we just quickly wave him off and say bye? Thank you, Dino. Thank you so much. Well, next up, we're all geared up to have the next thing on stage. Is going to be the Mr. Chip. Thank you. Bye, Britney. Hey, Britney. She's very pretty. Very nice. Very well, very obedient. That's yours. Thank you. Temperature at my office, you need to do a couple of media interviews. Are you up for that? What?
you, thank you. तो ये मेरा तीसरा है, क्योंकि इस साल हमने दिल्ली किए थे, हमने बेंगलोर किए थे, और ये दोबारा हम मुंबई में कर रहे हैं। तो हर बार जब ये पेट फेड होता है मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि मैं एनिमल्स से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई भी पेट्स एनिमल्स वैसे जानवरों को। तो इसलिए इस बार जब मैंने एंटर किया, इतने सारे लोग को देखे मैं बहुत खुश हुआ। और कल भी पूछताछ की कि कैसा चल रहा था, उन्होंने कहा कि तकरीबन कुछ कल 4000 लोग थे और तकरीबन 1000 के आसपास पेट्स आए थे, और आज उससे भी ज़्यादा। तो आज मेरे ख्याल से कुछ 5-6000 लोग आए हुए हैं और पेट्स मेरे ख्याल से 2000 आए हुए हैं। तो ये सब देख के ये मैं मानता हूँ पेट फेड एक पेट कार्निवल है। कार्निवल्स हम और मेलाज हम हमारे लोग के लिए होते हैं, इंसानों के लिए होते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा कार्निवल जहाँ वो लोग जो जानवर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मतलब वहाँ पेट खाना मिलते हैं, पेट की जो डॉक्टर्स हैं, पेट के जो कपड़े मिलते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं एक ऐसा मेला। तो इसलिए ये आइडिया को लेके हमने शुरू किया। अभी ये हमारा चौथा साल है, दिल्ली से हमने शुरू किया, फिर बेंगलोर, फिर और अभी मुंबई में। तो बहुत ये खुशी की बात है कि अच्छा चल रहा है, अभी ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और जब भी हम अनाउंस करते हैं कि इस तरह के ये मेला अभी शुरू होने वाला है, तो लोग तुरंत एडवांस बुकिंग करते हैं। जैसे एक फिल्म की एडवांस बुकिंग होती है, तो हमारा भी एडवांस बुकिंग होता है। हम पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने पेट लवर हैं दीनू जी, घर में कितने हैं आपके इस प्रेजेंट टाइम? मेरे अभी फ़िलहाल 2 कुत्ते हैं, मेरे पास जगह है, तो इसलिए मैं कुत्तों को पालता हूँ। बचपन से मैं बेंगलोर में पला बड़ा हूँ, तो तब से मुझे याद है कि देयर इज ऑलवेज बीन पेट्स इन द हाउस, डॉग्स, कैट्स, स्क्विरल्स, चिड़िया। तो मुंबई में अभी फ़िलहाल 2 हैं, और जब से मैं आया मुंबई तब से आई ऑलवेज केप डॉग्स। और अभी फ़िलहाल एक लैब्राडोर है, और एक मैंने एक अडॉप्ट किया, एक स्ट्रे डॉग, एक का नाम है गणपत और एक का है मैक्सिमस। और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ और सीरियसली मानता हूँ कि पेट्स मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स। और हमेशा सबको मैं कहता हूँ कि अगर आप पेट्स से प्यार नहीं करता तो शुरू करो, बिकॉज इट मेक्स यू अ नाइसर ह्यूमन बींग। जैसे कि आपने ये बताया कि जब भी आप इस तरह इसका अनाउंसमेंट करते हैं, एडवांस बुकिंग हो जाती है, आप चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से भी ढेरों सारे लोग आए सपोर्ट करें? एक्चुअली पिछले साल बहुत लोग आए थे, और इस साल मेरे ख्याल से हमने बहुत लोगों को इन्वाइट किया, मगर सब उनके शेड्यूल्स में शायद बिजी हैं। बट बेंगलोर में आए थे वहाँ के जो कर्णा के फिल्म सितारे, दिल्ली में जब हम करते हैं वहाँ के जो मतलब फैशनेबल पीपल है, सब मतलब फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह, सब मतलब सितारे आते रहते हैं, हम देखते नहीं मगर आते रहते हैं बहुत। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिनके पास एनिमल्स पेट्स है आप आ जाइए और देख लीजिए, और मुझे लगता है कि अगले साल बहुत लोग आने वाले हैं। इसके अलावा अपकमिंग क्या कुछ अनाउंसमेंट पाइपलाइन? जी बिल्कुल, एक मैंने कहा कि एक ये मेरी दूसरी पिक्चर है, मैं दूसरी पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिल्म का टाइटल है हेलमेट, और अभी इसका कास्टिंग चल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये पिक्चर कास्ट होगा और फिल्म का शूटिंग शुरू होगी। और उसके अलावा एक और स्क्रिप्ट हमारा तैयार है जिसमें मैं एक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे लिए 2019 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक्साइटिंग है। लोग लंबे टाइम से इंतजार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया, मगर जो ऑफर्स मिले थे वो कुछ खास नहीं था, तो इसलिए सोच समझ के मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इस वक्त अभी ये समय हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि कंटेंट के पीछे बहुत
मतलब ध्यान देना चाहिए जो इस बार सब लोग कर रहे हैं. तुम्हारे पास दो बढ़िया स्क्रिप्ट हैं और होपफुली 2019 विल बी वेरी गुड फॉर मी. किस तरह का कैरेक्टर होने वाला आपका, लाइक रोमांटिक अंदाज में आप हमें दिखेंगे? नहीं, वो एक एक्शन पिक्चर है जो मैं करने वाला हूँ, वो एक एक्शन फिल्म. तो कब से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? वो मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि उससे पहले जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो शुरू होगी. तो ये जो जिसमें मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं हाजिर हूँ, वो सितंबर या अक्टूबर में शुरू होगी. तो ये जिसमें आप एक्ट कर रहे हैं, वो कब तक आ जाएगी लोगों के बीच में? वो रिलीज शायद होगी जनवरी या फरवरी अगले साल. जी, वो फिल्म म्यूजियम. जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई मतलब प्रधानमंत्री इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड, मतलब इन्वॉल्व नहीं है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं. इट हेल्प्स अस क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. तो उस पर इफ़ यू पे लिटिल अटेंशन और हमारी मदद करें, इट जस्ट हेल्प्स अ लॉट. इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हम बहुत लोगों को देते हैं और जो एसोसिएट जो जुड़े हैं वो जो जुड़े इंडस्ट्रीज फिल्म इंडस्ट्री से, वो भी बहुत उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है इफ़ वी गेट हेल्प फ्रॉम द मिनिस्ट्री, जो इस बार हम देख रहे हैं. देखो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इट्स देयर अ वन विंडो फॉर ऑल परमिशंस वगैरह, अगर वो होगा तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा. बिकॉज आपने देखा होगा कि शूटिंग के समय मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. वी वांट कि अगर परमिशन मिल जाए तो उसके बाद कोई और आके सवाल ना पूछे. और जब लाइसेंसेस परमिशन सब इंटैक्ट है, जब सब ऑर्गेनाइज है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है. और उसके अलावा जब टिकट्स बिकते हैं तो उसके टैक्सेस वगैरह वगैरह जो भी है, इफ़ इट कैन कम लोअर, जो मेरे ख्याल से इस बार हो चुका है. GST ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, सो इट्स गुड. अभी लेटेस्ट मैंने उरी देखी और बहुत पसंद आई मुझे पिक्चर. देयर इज जोश, जोश इज देयर सर, जोश इज़ हाई, हाउ इज़ जोश. बढ़िया पिक्चर है, बहुत पेट्रियाटिक फिल्म है. और उससे पहले स्त्री, बधाई हो, उस तरह की पिक्चर दे. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट अभी बहुत अहम है हर फिल्म में. प्रपोजल्स नहीं बन सकते अभी, सिर्फ अच्छी पिक्चर बनती है. थैंक यू, गुड लक. थैंक यू.